एक कहावत है गढ़वाल में, दो चीजें ऐसे हैं कि जो अप्रत्यक्ष हैं, नौकरी और गढ़वाल में बोलते छोकरे माने बहू। अच्छा, माता जी 94 साल की हैं, 94 साल उम्र। नहाने जाती थी कि नहीं करण प्रयाग नहाने स्नान करने? वैसे क्यों? हाँ, कण प्याना है और जाने से बल पहली पहली पहले जाने जाती थी बैसाखी में, इसमें मकर संक्रांति में खुद जान थे पहले। अच्छा, आप हैं इनके लड़के हैं, सेना में रहे सर आपकी? रायन सिंह। शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, तो माता जी यही, मतलब यही आप भी पैदा हुए? हाँ। और फिर माता जी देखभाल करती थी सब? अभी भी स्मरण शक्ति है सब? हाँ, शक्ति है। अब तो नीचे पहाड़ के नीचे नहीं जा पाती होंगी ना? ना, अब इधर ही गांव में, इधर ही, लेकिन पहले सब जाती थी आती थी? हाँ, यहाँ से पैदल नहाने चली जाती थी? पैदल, पहले रास्ते ही पैदल थे। अच्छा, रोड़े थी नहीं। कितना किलोमीटर यहाँ से कर्ण प्याग तक जो है, अभी ये बाई जोड़ जो है 11 किलोमीटर है, और पहले पैदल रास्ता थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर कम पड़ जाता। अच्छा, ये बद्रीनाथ गई है कि नहीं? बद्रीनाथ नहीं गई, गाड़ी नहीं गई, गाड़ी में नहीं बैठ, नहीं गई बद्रीनाथ, नहीं गाड़ी में उल्टी होती थी। करण प्रयाग गई, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग गई, रुद्रप्रयाग गई, नहाने गई थी। देखिए है समय के साथ यह सब है। पहले जंगली जानवर आते थे, क्या करती थी? बाघ आता था, बागों छुपल पहले ना, क्या कंछा बोलता हूँ, डर 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 नहीं लगता था? पूछिए, डर भी लगा छुपल? आप पूछिए। नहीं 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 लगा, नहीं लगा। देखी है कि नहीं कभी बाघ? अभी भी आते हैं। बाघ भी देखा क्या? बाघ भी देखा? हाँ देखे हमें बहुत। डर नहीं लगता था? डर भी लगे नहीं लगता था? आ जाएगा तो क्या करेंगे बाघ? खोलो दे, बिल्कुल खा देगा बोला, अभी खा देगा बोला। अच्छा, अभी खा देगा? अब तब, अब तो जवानी थी तब तो, क्योंकि जवानी थे तो खा दे चोर नहीं था, क्या पकड़ जाए बाघ। तो दोस्तों ऐसे ही है, आज पहाड़ में हम थे और पहाड़ का देख रहे हैं आप, पहाड़ के गांव में हूँ और सर के साथ हूँ। तो कब सेना में भर्ती हुए सर? हम 83 में। अच्छा, 83। और कब आए? 2009 में। 2009 में कहाँ कहाँ रहना हुआ? हमारा अम्बाला, नसीराबाद, पठानकोट, ऊपर बारामुल्ला, लेह लद्दाख में नहीं रहे उधर? लेह लद्दाख नहीं गई। अच्छा, वैसे गए लेकिन परमानेंट नहीं रही। अच्छा, परमानेंट नहीं रहे? हाँ, ऐसे ड्यूटी पे गए। जी, तो आप गांव छोड़ करके नहीं गए? बहुत लोग चले गए। नहीं गए, हमें गांव ही ठीक। क्यों? गांव ही ठीक लगता है, जननी जन्मभूमि से स्वर्ग आदि, स्वर्ग आदि करिए। बहुत लोग गांव छोड़ करके चले गए ना? चले जा रहे हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन अब तो सारी सुविधाएं धीरे धीरे गांव में हो रही हैं, अब होने लगी हैं, लेकिन तब पहुंची है ना जब लोग प्लान कर गए, लोग प्लान कर गए। तो अब लोग कैसे आएंगे वापस गांव में? अब या तो रोजगार हो, स्वास्थ्य और शिक्षा। अच्छा, हॉस्पिटल कितना दूर है? हॉस्पिटल ये है कर्ण प्याग में एक छोटा सा। अच्छा, बस उसमें यहाँ से काफी दूर है? नहीं, ये कर्ण प्याग में, कर्ण प्याग 15 किलोमीटर होगा? हाँ, यहाँ से 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर। और स्कूल? स्कूल है, इंटर कॉलेज अब यही खुल गई है, कनखुल में है इंटर कॉलेज। कितना दूर है? 2-2.5 किलोमीटर। अच्छा, पहले नहीं था? पहले नहीं था, पहले यहाँ के हमने जो है इंटर कर्ण प्याग से ही किया। अच्छा, पैदल जाते थे? आते थे पैदल? नहीं तो बाद में कमरा लिया वहीं। अच्छा, नहीं तो पहले पैदल गए? पहले पैदल, पहले तो 6 की स्कूल भी सिमली में थी यहाँ से। अच्छा, पैदल ही जाते थे, पैदल आते थे। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। आप भी पढ़ाई लिखाई यही किए? हाँ, सब पहले गाँव में। आप सेवानिवृत्त हो गए? हाँ, हो गए। अभी तो लग ही नहीं रहा है आप, क्यों जवान लग रहे हैं? अभी लग रहा है कि आप 52-53 साल के होंगे? नहीं, 66 साल हो गए। 66 साल? हाँ, 5 साल में रिटायरमेंट हो गई, कर्ण प्याग से रिटायरमेंट। अच्छा, किस स्कूल से? इंटर कॉलेज। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? जैसे अभी घर में हूँ।
अरे घर में कर क्या रहे हैं? घर में बस खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, गाय वाय रखी है कि नहीं? गाय वाय रखी है, भैंस पाली, गाय रखी है। तो गाय क्यों नहीं रखते हैं? भैंस तो मोटा दूध होगा। गाय भी रखी रहते हैं, देसी गाय है ना? देसी गाय। और बैल? बैल नहीं है, बैल नहीं है। और अकेले हम दोनों बुढ़ी बुढ़िया है घर में, बच्चे बाहर। बूढ़े बुढ़िया क्यों करते हैं? आप तो कोई नहीं करेगा क्या? हम लोग ऐसे ही कहते हैं, 60 के बाद तो बूढ़ा हो जाता है। अभी तो माता जी को कहा जाएगा, लेकिन आप तो भी। आप रहने वाले कहाँ के? वाराणसी, गाजीपुर। गाजीपुर जी। आप कभी बाघ देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। अच्छा, बाघ से तो कुत्ता कुत्ता ले गया बाघ। आपका कुत्ता ले गया? तो यहीं पर ये बात है। अच्छा, बाघ ने कुत्ते को पकड़ा। अच्छा। और मैं लट्ठा लेके गया। अच्छा। तो जब यहीं पे भैंस थी भाई साहब की, तो जब बाघ के खोपड़ी में डंडे से लगी तब छोड़ा उसने कुत्ता। अच्छा, कुत्ता को छुड़ा लिया। पर उसमें एक आक्रमण शक्ति ऐसी थी बाघ में, वो कुत्ते को भी साथ दे जाए, कुत्ता उसके पीछे भाग जाता, आदमी की आवाज बंद हो जाती है। अच्छा। हाँ, कितने बार तो जब मैं यहाँ से सिमली जाता था ड्यूटी पे, हाँ, तो रास्ते में मिलते थे। अच्छा। हाँ, मिल जाते थे। मिल जाते थे। क्या करते थे आप तब? क्या करते? आने तो झपट देगा वो। अच्छा। हाँ, या तो थोड़े किनारे जाओ। हाँ, बस उसको रास्ता दीजिए। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता बाघ। अच्छा, अटैक नहीं करता भालू, भालू जो है ना। हाँ। वो आदमी पे अटैक करता है। अच्छा, आपसे मुलाकात हुई है भालू से? हाँ, भालू बाहर सबसे हुई है, यहाँ तो आते ही हैं वो। कभी अटैक किया था? नहीं, नहीं, कभी किसी पर अटैक किया था गाँव में? बहुत पहले किया था। अच्छा। और जानवरों पर अटैक कर देता है? गाय भैंस पर मार डालता है? घर पर भी आके ले जाता है कहीं? गौशाला होगी किसी के, वहाँ छोटे बच्चे होंगे, उसको उठा कर ले जाता हूँ, मार देता है। अच्छा। कहीं कहीं तो जैसा आप लोग कह रहे हैं कि प्लाइन हो गए हैं, हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को दिन में उठा कर ले जाते हैं। अच्छा। यहाँ का प्लाइन का मुख्य कारण है अशिक्षा, स्वास्थ्य ठीक, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, अच्छी नहीं है। हम सिमली से, ये मेरा विद्यार्थी जी, मेरे भाई है घर जी, तो यहाँ से सिमली हम पैदल जाते थे। अच्छा। गाड़ियाँ नहीं थी जी, तो वहाँ से हम सामान खुद लाते थे, सभी बच्चे बच्चे। तो भालू इधर जाते हैं कि बाघ जाते हैं? तेंदुआ जाते हैं, बाघ जाते हैं, बाघ जाते हैं। अच्छा, भालू थोड़ा हाइट पे होता है। अच्छा, हाइट पर होता है। तो इस तरह से आपने कुत्ते को छुड़ा लिया मार के। और कभी सामना हुआ अपना सामना? ऐसे तो बहुत से बार हुई। तो आपको डर नहीं लगा लठ लेके गए? तो भाई हिम्मत तो नहीं आनी चाहिए। फिर कुत्ते को चोट नहीं लगी थी? मतलब दबा दिया होगा उसने, कुत्ते को गला फाड़ दिया था उसने। अच्छा। वो एकदम से डर गया था। तो कुत्ता ठीक हो गया बाद में? मर गया था उसने एकदम से। अच्छा, मर गया? हाँ, मर गया। उसके नाखने खतरनाक है। बात दूसरे में, यहाँ प्लायन का मुख्य कारण है जंगली जानवर, बंदर। अच्छा। सबसे बड़ा जैसा हम लोग जो खेती कर रहे हैं जी, सबसे आपने देखा हो रास्ते में, देखा हो कितने बंदर जी जी, तो बस वो कम से कम एक दिन में 100-500 बंदर आ जाते हैं। अच्छा। खेती का नुकसान कर देते हैं। सुअर और बंदर हो गए खेती सब, सबसे बड़े जंगली सुअर भी। हाँ, जंगली सुअर। इसीलिए लोग प्लान कर रहे हैं खेती में, खेती नहीं रहा है ना, बंदर ने वो सब ले गए, रात को सुअर आते हैं और उसके बाद वो चौपट कर लेते हैं। इसलिए लोग ये है कि भाई कहीं पर रहना है तो बाजार से लाना है और खाना है। मतलब सबसे बड़ी समस्या पहाड़ में बंदर और जंगली सुअरों से है, जो खेती को नुकसान करते हैं। पलायन का एक बड़ा कारण है। अब 6 महीने की फसल है या साल भर की फसल है, अब लास्ट में जब कटाई की मौसम आया तब खा लेते हैं जी। अभी रात को आप देखो, यदि रात को बाहर जाओ तो सुअर इधर ही घूमता रहता है। अच्छा। और वो भी अटैक कर देगा लोगों पर अगर जाएंगे उसको? तो करेगा ही। अच्छा, अटैक कर देता है। दांत वाला भी होता है सुअर? हाँ, उसके मिले दांत होते हैं, फाड़ देगा। तो सरकार ने कुछ किया है? कितनी बार लोगों ने शिकायत भी की। अब एक तरह से हम लोग हैं धार्मिक जी, अब कोई कहेगा बंदर को मारो जी, हम लोग ऐसे वो तो हनुमान है क्यों मारो जी, अब मारना भी खतरनाक है। और जंगली सुअर? जंगली सुअर तो अब ऐसे वो रात को आते हैं, दिन में जंगलों में चले जाते हैं। अब रात को जो है, अब मतलब जब आप अभी समय आने का समय उनका हो रहा है, अब हो रहा है। अच्छा,
दिन में वो कहीं कंदराओं में घुस जाते हैं, कहीं पानी इतनी तालाब में चले जाते हैं। अब रात आए उन्होंने क्यों ही जो है सूर्योदय को समय हुआ जी है वो अपने गंतव्य स्थान पर। माता जी के साथ आप लोग बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं? मैं तो हमेशा आप बैठता हूँ मैं यहाँ पे डेली मेरा रास्ता ये है, मैं बैठता हूँ और जिस दिन आऊंगा नाराज हो। पर साहब आपकी शादी हुई थी तो कैसे बारात गई थी? यहाँ से कोई साधन उधन तो है नहीं, कैसे डोली से गए थे? यहाँ से पैदल गए। अच्छा पैदल, मतलब दूल्हे राजा भी पैदल गए? पैदल गए। अच्छा दुल्हन भी गुजरात से आई यहाँ? अच्छा गुजरात से आपकी शादी हुई, ऐसे कैसे हो गया साहब? बात वही है ना, एक कहावत है ना गढ़वाल में, अरे उस समय फोन उनका समय था नहीं, कुछ कैसे कैसे मामला पट गया। एक कहावत है गढ़वाल में, दो चीजें ऐसे है कि जो अप्रत्यक्ष है, नौकरी जी, और गढ़वाल में बोलते छोकरे मैंने बहु। अच्छा ये किसी ने भी नहीं बताया ऐसा कि चाहे विदाता कोई हो। अच्छा कि आपकी नौकरी वहाँ है और आपकी घरवाली वहाँ। अच्छा नौकरी और छोकरी, विधाता भी नहीं जानता? विधाता भी नहीं बता सकता। बता सकता कोई, चाहे कोई पंडित भी हो बता सकता है, है? इसलिए कहा गया चक्रार पंक्ति दिवागत सति भाग्य पंक्ति। अच्छा ये रथ के हमारे पूरा कैसे बड़ा थोड़ा कौतूहल हो रहा है, है? कि गुजरात में कैसे, गुजरात में कहाँ पे? बात ऐसी मेरे ससुर जी थे आजाद हिंद फौज। अच्छा तो आजाद हिंद फौज में जी, उसके बाद वो पुलिस में गई जी, तो गुजरात में इनकी जमीन जमीन सब थी जी। अब मैं जो है ग्वालम, देखो सुना होगा ग्वालम जी, मैं नौकरी करता था जी। अब मैं ये गोल्ड परीक्षा में आया था नारनौर जी, तब तक वहाँ सरस्वती आई थी जी, तो उनकी लैंग्वेज भी कुछ अजीब होती है। हाँ हाँ। तो बोला ए लौंडे कहीं छोकरी देखी? हाँ। मैंने कहा नहीं देखी छोकरी। हाँ। उनकी लड़की थी तो संजोग था। हाँ। मैं तो वहीं से जुड़ गई, बात हो गई, बस यहाँ से बड़ा सिम लगी, वहाँ से नारनौर गए। अरे तो अब ये गढ़वासी और इधर की है ना? अच्छा, इधर गढ़वाल गए ना, पर वो बचपन तो आपने उनको गढ़वाली सिखा दिया और उन्होंने आपको गुजराती सिखा दिया सब कुछ। हमने उनको खेती का काम भी सिखाया पूरा, भैंस भैंस पालना, दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, तो उसके साथ ही बच्चों बच्चे भी काम करते हैं घर में आकर के। हम ये कंडी बोलते हैं सुलटी, बच्चों को भी सिखाया काम। तो दोस्तों हम है इस समय चमोली में, और गांव आपका कौन सा है सर? बिडोली। बिडोली तो माता जी के साथ और इनके पुत्रों के साथ हमने बातचीत किया, अच्छा लगा। पलायन के बारे में भी जाना, वन्य जीवों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई, और यहाँ की संस्कृति के बारे में भी मोटा मोटा हमने जानने का प्रयास किया। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद।